नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं असम के प्राण अक्षर पुरुष श्रीमंत शंकर देव इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसकी लेखिका है नूतन पांडे। अंग्रेजी साहित्य से स्नातकोत्तर करने के बाद पत्रकारिता, लेखन, अनुवाद, योग, ध्यान, इन क्षेत्रों से नूतन पांडे जुड़ी रही हैं। पूर्वोत्तर में लगातार काम किया है। इसके पहले उनका लुईत की धारा से कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। वृंदावन की जोगन एक पुस्तक और प्रकाशित हो चुकी है। तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हैं। यह पुस्तक श्रीमंत शंकर देव पर है। शंकर देव का जो जीवन है वह असम के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। असम का जो सांस्कृतिक जगत है, साहित्यिक जगत है, वह बिना श्रीमंत शंकर देव के पूरा नहीं होता। असम एक ऐसी भूमि जो अजेय रही, जिसे न तो मुगल जीत सके और न तो ब्रिटिश बिना वहाँ के स्थानीय बासिंदों की अनुमति के प्रवेश पा सके। चीन भी जिनका कुछ भी नहीं कर सका। असम की जो भूमि है वह अपने आप में बहुत ही प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, कला और संगीत के रूप से और इसके अलावा आध्यात्मिक रूप से बहुत ही समृद्ध रही। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब यह भूमि आतंकवाद से बहुत प्रभावित रही। नूतन पांडे उसी दौर में असम की धरती पर गई और जब वह पहली बार गई तो उन्हें वहाँ पता चला कि श्रीमंत शंकर देव भी यहाँ पैदा हुए थे और उनकी क्या भूमिका थी जो असम, जिसको हम आज देखते हैं। असम के लोग शंकर देव को अवतार के रूप में क्यों मानते हैं, उनको गुरु के रूप में क्यों मानते हैं, उनमें आस्था क्यों रखते हैं, इसके बारे में वह गहन अध्ययन करने के दौरान उनको पता चला कि असम का जो जनजीवन है या असम में जो एकता के सूत्र हैं या जिस तरह से भक्ति काल आंदोलन में सूर, कबीर, तुलसी, रहीम, नानक, रैदास, इन लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनमानस को गढ़ा था, उसी तरह से असमिया को, पूरे असम को अहोम वंश के राज्यकाल का जो क्षेत्र था उसको किस तरह से श्रीमंत शंकर देव की शिक्षाओं ने, उनके गीत ने, उनके वाद्य ने, उनके नृत्य ने, उनके साहित्य ने, उनकी भावनाओं ने, उनके नाम ने, उन कीर्तन ने, बरगीत ने, नामघर ने, खोल, मृदंग, संबल, भाजघर, दोल यात्रा, इन सब ने गढ़ा था। इसके अलावा जो उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि किसी भी रूप में शंकर देव ने वहाँ जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की थी। ऊंच नीच इसके विरोधी थे, वैष्णव मत के समर्थक थे और उन्होंने बाकायदा असम को जागृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिक्षा उनका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था, भजन भी महत्वपूर्ण माध्यम। इसके लिए उन्होंने लगातार पुस्तकें लिखी और हालांकि लोग जो असम के लोग हैं वे श्रीमंत शंकर देव को अवतार पुरुष मानते हैं, लेकिन वे बाकायदा गृहस्थ थे और उन्होंने 32 वर्ष की उम्र में पूरे भारत को समझने की कोशिश की। गृहस्थ होते हुए उन्होंने पहली बार शादी हुई, पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी बार उनका विवाह हुआ। जब वो लौटे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही थी। 12 वर्ष देश के जितने भी तीर्थ स्थल हो सकते हैं, पुरी, द्वारका, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, मथुरा, काशी, प्रयाग, सीताकुंड, बद्रीकुंड, हस्तिनापुर, द्वारका, इन सब जगहों की यात्रा की और यहाँ से जो कुछ सीखा उसका उपयोग उन्होंने वापस असम पहुंचकर अपने समाज को जोड़ने में किया। ढेर सारी पुस्तकें लिखी और जो पुस्तकें लिखी उनका एक लंबी श्रृंखला है उनकी।
काव्य कृतियाँ जो थी उसमें कीर्तन घोषा, हरिश्चंद्र उपाख्यान, रुक्मिणी हरण, इस तरह की भक्ति सिद्धांत उन्होंने दिया, नाटकीय रचनाएं की। और सबसे बड़ी बात ये कि जो नृत्य विधा है, जो असम की एक महत्वपूर्ण नृत्य विधा है, उसको भी इन्होंने, शंकर देव ने स्थापित किया। शंकर देव को जीवन को हाल के दिनों में उस पर ज़्यादा काम होना शुरू हुआ। उन्होंने जो कुछ काम किया है उसको असम के समाज ने भी समझना शुरू किया है, और अनुवाद के माध्यम से वो हिंदी भाषी क्षेत्र में भी जाने जाने लगे। यह पुस्तक साक्षात्कारों पर आधारित है, पर्यटन पर आधारित है, यात्रा पर आधारित है, और वहाँ जो अभिलेख मिलते हैं उन पर आधारित है। इसमें कुछ तमाम चित्र भी हैं जो शंकर देव के जीवन पे नए ढंग से प्रकाश डालते हैं। सर्वभाषा प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 400 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 200। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक, अपनी विधा विशेष के पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।